नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे 12-13 अप्रैल का मौसम अपडेट। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते मौसम के बीच में अब गर्मी ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन प्रदेश में जहां गर्मी का सितम जारी है, तो वहीं इन दिनों प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड और बारिश होने की खबरें सामने आ रही है। ऐसे में प्रदेश में मौसम का मिजाज तीन तरह का बना हुआ है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पूर्वा हवा और पछुआ हवा के प्रभाव के कारण इन दिनों राज्य में आंधी पानी की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि प्रदेश के उत्तरी हिस्से में नमी युक्त हवा का प्रवाह है, जिसके कारण पश्चिम चंपारण, किशनगंज और अररिया में बारिश जैसे हालात बने हुए हैं। तो वहीं दक्षिण बिहार के कई जिलों में लू जैसी स्थिति बनी हुई है। दक्षिण बिहार में इन दिनों पछुआ हवा का प्रवाह जारी है। गंगा के तटीय जिलों में तो सुबह सुबह कोहरे की स्थिति देखने को मिलती है। प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी जैसे हालात हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि काल बैसाखी की सक्रियता के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक धूल के साथ आंधी चलने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि इन जिलों में बारिश भी होने की पूरी संभावना जताई गई है। हालांकि पिछले दिनों हुई बारिश और वज्रपात के कारण रबी फसल को खासा नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो आइए अब जान लेते हैं 12 अप्रैल और 13 अप्रैल के मौसम का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 12 अप्रैल का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। तो वहीं पर न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं 13 अप्रैल के अधिकतम तापमान की बात कर लें तो 38 से 40 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार की बात कर लें तो इन जिलों में यानी कि सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में 12 अप्रैल का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। तो इन जिलों में न्यूनतम तापमान जो है 22 से 24 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। 13 अप्रैल के अधिकतम तापमान की बात करें तो इन जिलों में अधिकतम तापमान जो है 36 से 38 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं इन्हीं जिलों में न्यूनतम तापमान जो है 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का 12 अप्रैल का अधिकतम तापमान जो है 34 से 36 डिग्री तक रहने की बात कही गई। तो वहीं इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 22 से 24 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। 13 अप्रैल का अधिकतम तापमान जो है 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। तो वहीं इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 22 से 24 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का बिहार का 12 अप्रैल का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 22 से 24 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। 13 अप्रैल का अधिकतम तापमान जो है 40 से 42 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 22 से 24 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का 12 अप्रैल का अधिकतम तापमान जो है 40 से 42 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 22 से 24 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि 13 अप्रैल का अधिकतम तापमान जो है 38 से 40 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। दक्षिण पूर्व बिहार के अगर हम बात कर लें तो इसके तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का 12 अप्रैल का अधिकतम तापमान जो है 38 से 40 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 22 से 24 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि 13 अप्रैल का अधिकतम तापमान जो है 38 से 40 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। ये थे बिहार में मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।